जो सेकुलर दल अपने आप को कहते हैं, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, इन्हें सिर्फ हमारा वोट चाहिए, हमारे मसलों को, हमारे मामलों को, चाहे वो न्याय का मामला हो या अधिकार का मामला या विकास का मामला, ये हल नहीं करना चाहिए। हमारे लोगों को जो है बरगलाया जाता है, उन्हें गलत डायरेक्शन दिखाया जाता है, उन्हें डर दिखाया जाता है, भय दिखाया जाता है, उस डर और भय के साथ जो है वो वोट हासिल करते हैं। वो ये कभी नहीं बोलते कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, हम तुम्हें न्याय देंगे, तुम्हें अधिकार देंगे। इसीलिए डर और लालच का लाभ देकर जो है डुमरी में जो है लोगों को जो है गुमराह किया गया और वोट हासिल किया गया। देखेंगे 46 से ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, उन मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मुसलमानों की संख्या कम हो सकती है। क्या झारखंड में राजनीति बदल रही है, खास करके अल्पसंख्यक समाज क्या एनडीए पे यकीन कर रहा है, भरोसा कर रहा है? इस वक्त मैं आजसू के दफ्तर में हूँ और थोड़ी देर पहले जो ठीक मेरे बगल में आप तस्वीर देख पा रहे हैं, सुदेश महतो जो आजसू के सुप्रीमो हैं, उन्होंने सैकड़ों अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया। ये जो चेहरा है वो जाना पहचाना चेहरा है, एस अली नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई सारे मुद्दों पे सक्रिय रहे हैं। एस अली जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आजसू ज्वाइन करने के पीछे का क्या मकसद है, क्या सोच है, क्यों आप आजसू आ रहे हैं, आजसू में शामिल हुए हैं, तब जबकि बीजेपी के साथ जो है आजसू काम कर रही है और बीजेपी को लेकर के अल्पसंख्यक समाज के मन में कई सारे सवाल हैं? आजसू पार्टी झारखंड की पार्टी है, यहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है, इनका अपना एक मैनिफेस्टो है, इनका एक अपना सिद्धांत और नीति है, उसके तहत ये इस राज्य में जो है चुनाव लड़ते रही है, चाहे वो 2004 का चुनाव हो या उसके बाद का चुनाव हो या उससे पहले का चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का विधानसभा चुनाव, हम लोगों ने देखा था कि आजसू पार्टी भाजपा से अलग होकर भाजपा को दरकिनार करके ये चुनाव लड़ी थी। उस समय भी अगर हम लोग चाहते तो इनको साथ दे सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया। और अभी का जो वर्तमान की जो स्थिति है, जो सेकुलर दल अपने आप को कहते हैं, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, इन्हें सिर्फ हमारा वोट चाहिए, हमारे मसलों को, हमारे मामलों को, चाहे वो न्याय का मामला हो या अधिकार का मामला या विकास का मामला, ये हल नहीं करना चाहते। कई ऐसे इशू हैं जिस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। 10 जून का घटना रांची में जो हुआ था गोलीकांड का, या मॉब लिंचिंग की घटना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2018 में कि मॉब लिंचिंग पर आप कानून बनाओ और पीड़ित प्रतिकार अधिनियम 2018 के तहत पीड़ितों को मुआवजा दो, लेकिन एक भी परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया। 10 जून में जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल में डाल दिया गया, उनको फंसा दिया गया। आप देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री रहे हमारे वो जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने 543 उर्दू स्कूलों का बोर्ड से नाम मिटा दिया, और ये कहते हुए कि ये गलत ढंग से, जबकि वैसा कोई बात नहीं है, बिहार के समय से चलते आ रहा है। क्योंकि आपने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जिक्र कर दिया और आप उर्दू स्कूलों से नाम हटाने को लेकर के और छुट्टी की बात आपके साथ जहन में है, लेकिन डुमरी में जो उपचुनाव हुआ वहाँ पे तो अल्पसंख्यक समाज के सारे लोगों ने एक साथ जो है, यहाँ तक कि ओवैसी को दरकिनार कर दिया और जगन्नाथ महतो के फैमिली मतलब उनकी पत्नी को वोट दिया, और उसका परिणाम आपके सामने है, आपके जिस पार्टी में शामिल हुए हैं उनके कैंडिडेट जो है हार गए। तो ऐसे में एस अली को क्या ऐसा दिख गया है, क्या उनका कोई पॉलिटिकल अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आप जो है लगता है कि झारखंड में अगर अल्पसंख्यकों का कोई आवाज़ है तो वो सुदेश महतो है? नहीं नहीं, इसको ये समझना होगा कि हमारे लोगों को जो है बरगलाया जाता है, उन्हें गलत डायरेक्शन दिखाया जाता है, उन्हें डर दिखाया जाता है, भय दिखाया जाता है, उस डर और भय के साथ जो है वो वोट हासिल करते हैं। वो ये कभी नहीं बोलते कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, हम तुम्हें न्याय देंगे, तुम्हें अधिकार देंगे। इसीलिए डर और लालच का लाभ देकर जो है डुमरी में जो है लोगों को जो है गुमराह किया गया और वोट हासिल किया गया, लेकिन ये गुमराही 2024 का विधानसभा में नहीं चलेगी। जनता के बीच में हम लोग जाएंगे और सारे मुद्दों को रखेंगे। और सुदेश कुमार महतो किसी खास जाति वर्ग का आवाज़ नहीं है, ये झारखंड का आवाज़ और झारखंड में रहने वाले सभी समुदाय, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, आदिवासी हो, दलित हो, सामान्य वर्ग हो या अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हो, सभी का आवाज़ ये अपने स्तर से उठाते रहे। अब ये उम्मीद है कि ज़्यादा प्रखर रूप से ये उठाएंगे और मसलों को सॉल्व भी करेंगे। अब चूंकि एक जो पॉइंट आप उठा रहे हैं डर का, चूँकि डर का ही पूरा व्यापार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल के दिनों में एक सभा कर रहे थे डुमरी में ही, तो उन्होंने कहा कि भाई 2019 से जब उनकी सरकार बनी है तो अब डर का माहौल ख़त्म हो गया है, कोई भी रात में निकल सकता है, अपने घर जा सकता है, कहीं भी आ रहा है जा रहा है। वो दरअसल मॉब लिंचिंग के मसले पर बोल रहे थे और वो बोल रहे थे कि अब कुछ डर जैसा नहीं है, तो कैसे आप ये बोल रहे हैं और आपके साथ कैसे अल्पसंख्यक समाज खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे? झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसके कार्यकाल में हम देखेंगे 46 से ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, उन मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मुसलमानों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का, हमारे आदिवासी भाइयों का, हमारे दलित भाइयों का लिंचिंग किया गया है,
उनको न्याय नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर उस आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वो झूठ ना बोले, जगह जगह पर जो है गोलीकांड की घटना, यहाँ पर हटिया विधानसभा क्षेत्र में, रांची में, काके में, कई जगहों पर जो है गोलीकांड की घटना जो है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, कहीं पर कोई सुरक्षा नहीं है, दिक्कत है काफ़ी यहाँ पर। एक सवाल ये बताइए कि आप जो मुद्दे उठाना चाहते हैं, एक तो कई शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पे आप बात करते हैं, लगातार आंदोलन भी करते हैं, लेकिन एक विशेष जो मुद्दा, आप जिस समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से, क्या आपको लगता है कि आजसू पार्टी एनडीए में रह करके, बीजेपी के साथ रह करके अल्पसंख्यकों का आवाज़ उस तरीके से बन पाएंगे? देखिए, हमें ये मानना चाहिए कि भाई रघुवर दास के पीरियड में भी अल्पसंख्यकों का कई मसले हल हुए हैं। आपके सामने जो है हज हाउस पड़ा हुआ है, उनके पीरियड में उर्दू शिक्षक, अरबी शिक्षक और फारसी शिक्षकों की भी वाली हुई है। ये हम नहीं कह सकते कि उनके पीरियड में काम नहीं हुआ। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्क बोर्ड, हज कमेटी जैसे गठन कमेटियों का भी उन्होंने गठन किया, और अर्जुन मुंडा जी के पीरियड में भी हुआ है। और आपको मालूम होगा कि जब रांची शहर में दंगा की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद सड़क पर उतर के दंगा को रोकने का काम किए थे। उनके अलायंस में आसू पार्टी भी था, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आसू पार्टी भी उसी रूप में सामने आएगी और अल्पसंख्यकों के साथ साथ दूसरे समुदायों को भी न्याय और अधिकार दिलाएगी। एक चीज, अब सामने 2024 का चुनाव है, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आसू पार्टी, सुदेश महतो और उनकी पूरी पार्टी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, क्या एस अली जो है अल्पसंख्यक समाज से अपील करेंगे कि भाई 2024 में आसू पार्टी में आने के बाद जो है मुस्लिम समाज बीजेपी को लेकर के, नरेंद्र मोदी को लेकर के कैसे काम करे, विचार करे, आप क्या राय देंगे अल्पसंख्यक समाज? देखिए, जो 2024 का चुनाव होने में अभी वक्त है, और आसू पार्टी जो निर्णय लेगा वो जो जनहित में होगा, समाज हित में होगा, उसी हित में हम लोग जाएंगे। तो एस अली हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुखरता से कई सारे मुद्दों को ये रखते हैं, फिलहाल आसू पार्टी का इन्होंने दामन थामा है, कई सारे इनके सवाल हैं और इनको उम्मीद है कि सुदेश महतो, आसू पार्टी उन सवालों का समाधान ढूंढेगी। शुक्रिया। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in